दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि चौराही प्रखंड के सभी पंचायतों का मतगणना आज बराज समिति में हो रहा था, और इसी बीच जो हमारे सौरी पंचायत से एक मुखिया पद के लिए जो है दोबारा जीत दर्ज किए हैं, और ये रिकॉर्ड जीत उनके नाम से हुआ है। तो आइए मैं बात करता हूँ निवर्तमान मुखिया, जिस प्रकार से इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, दूसरी बार मुखिया पद के लिए जीते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो केबीटीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो सर आपको। नमस्कार, मेरे तरफ से भी आप सभी मीडिया भाइयों को बधाई जी। ये हमारी जीत नहीं, हमारी जनता की जीत है जी। ये विश्वास की जीत है, विकास की जीत है जी। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा, आज जो ये जीत है जी, इस जीत के पीछे किनका श्रेय जाता है? इस जीत के बीच हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता है उनका श्रेय है, हमारे विकास कार्यों का श्रेय है, विश्वास का श्रेय है जी, बिल्कुल। लेकिन सर मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आज पूरा बिहार जो है शराबबंदी को लेकर काफी शपथ ले रहे हैं कि लेकिन आपके पंचायत में शराबबंदी को लेकर आप कितना इसके आगे उतरने वाले हैं, इस पे थोड़ा सा मुझे देखिए। मैं अपने तरफ से और अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से कभी भी मैं शराब कारोबारियों को, शराब धंधे को बढ़ावा नहीं दिया जी। और मेरा रिकॉर्ड है पूरे 5 साल में शराबियों के दरवाजे पर, शराब की दुकान पर जी, मैंने कभी बैठा नहीं, उसको कभी महत्व नहीं दिया, और मैं आज भी उसके विरोध में हमेशा काम करता हूँ। अगर सर ये मैं जानना चाहूंगा सर, ये आज जो दूसरी बार आपने रिकॉर्ड जीत दर्ज अपने नाम से किए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये दूसरी बार जो जीत का रिकॉर्ड मैंने कायम किया या उसको लाया, इसके पीछे विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे बढ़ के कोई दूसरा कारण नहीं है। जनता ने विश्वास किया, विकास पर भरोसा किया, इसलिए हमारी दोबारा जीत हुई। और मैं चाहूँगा हमसे जो भी गलतियाँ हुई और जो मेरे छूटे हुए कार्य थे, जो मेरे सपने थे, जो कुछ बच गए, मैं आने वाले समय में जो आज जनता हमको मैंडेट दिया है, मैं जितनी भी कमियाँ होगी, जितने भी हमसे भूल होगी, उसको मैं सुधारूंगा और समाज को एक नई दिशा दूंगा। लेकिन सर मैं एक क्वेश्चन आपसे लास्ट करना चाहता, जो जीत कर इस बार आप जा रहे हैं, सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आप आगे बढ़िएगा? देखिए, समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उस पर, शिक्षा पर जोर देना जी, गरीब तबके के लोगों को विश्वास दिलाना, उनके लिए जो सरकार के जितने भी कल्याणकारी काम होंगे, कितनी योजना आएंगी, उसको मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। लेकिन सर आपके पंचायत से जो जनता देख रही है, सुन रही है आपकी आवाज को, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं इन सारे कार्यों में उनका सहयोग चाहता हूं, उनका सहयोग रहेगा तो जो भी हमारे पंचायत में करप्शन होगा उसको मैं दूर करूंगा, अच्छाई में साथ लूंगा और बुराई में उसका भी साथ लूंगा, और उस चीज को मैं बिल्कुल खत्म करूंगा। सर एक बार अपना पूरा परिचय अपने केबीटीवी के चैनल के माध्यम से। मैं राम सेवक पासवान, ग्राम पंचायत राजसौरी, प्रखंड चौराही जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये थे हमारे राम सेवक जी, जो कि दोबारा मुखिया दर्ज के लिए अपना जीत दर्ज की है और रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। मैं इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं अपने पंचायत के अंदर जाए तो विकास, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति खास करके इनका ध्यान दें, और उनका भी प्राथमिकता बनता है कि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, खास करके शराबबंदी जो है उनके पंचायत में, इस पर खड़े उतरने का काम करें। इसी के साथ बने रहे, आगे भी जानकारी लेते रहूंगा जी। आगे बढ़ते जाइए। आपका क्या कहना जी? आपका क्या कहना आज राम सेवक जी, फिर से क्या कहना जी? मुझे मेरे कार्यकर्ता पे, मेरे विकास पे मुझे पूर्व से ही भरोसा था कि 15 साल वर्सेस 5 साल हमने जो काम किया, इसी बदौलत मैं जीतूंगा, और बैसाखी वाले कैंडिडेट को हमने धूल चटाया।
लेकिन लेकिन सर आप युवा हैं, युवाओं के प्रति आपका क्या सोच रहेगा, पहला आग्रह कौन सा काम को लेकर? हम लोग का ये सोच है कि युवा को आगे बढ़ाएंगे, सब गोटा संगठन मिलकर और एक भी भविष्य बनाएंगे और सबको भी उजला करेंगे। राम सेवक पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख सकते हैं काफी जन सैलाब जो है राम सेवक जी के पीछे है और काफी सपोर्ट में है। मैं कामना करता हूँ अपने पंचायत गर्दन सर्वांगीण विकास करे। इसी के साथ आप लोग बने रहे, आगे भी जानकारी रहता। किस बच्चों